कार का आइडिया एकदम अफलातून था, पढ़ाई लिखाई करने का फायदा तो होता ही है ना। हाँ, और ना करने का नुकसान भी है। एकदम करेक्ट। मैं इन पेपर्स को गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देता हूँ। ओहो, गाड़ी का मालिक दिलीप कुमार का फैन लगता है, कितनी फोटो से देखो। अमिताभ भी तो दिलीप कुमार के फैन है। लेकिन मैं अमिताभ का फैन हूँ। ये मंजीत सिंह का गैंग है? नहीं, सावित्री, गोची सावित्री गैंग। गोची सावित्री कहाँ रहती है? रहती नहीं, रहता है। सॉरी भाई, मैंने आपसे पैसे लिए लेकिन मैं उन्हें लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी एक एक पाई लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा? कैसी सजा? ये कहाँ ले आया यार तू? समझ गया, भाई का कहा तुमने सुना नहीं, इसलिए सजा तुम्हारे कानों को मिलेगी। मेरे कानों को? ए, इसके दोनों कान काट डालो। प्लीज मेरे कान मत काटो, मैं जीते जी अंधा हो जाऊंगा। कान काटने पर तुम मंदे कैसे हो जाओगे? कान ही नहीं बचेंगे तो चश्मा कैसे पहनूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा ना भाई। सॉरी भाई। ए, इसके दोनों कान काट डालो। कुछ और काट लो, मैं कटवा लूंगा। नमस्ते सावित्री भाई। क्या रे, बहुत शाना बन रहा क्या? पैसे लेके देने का नाम नहीं ले रहा है, भाई के पैसे खाएगा क्या? उसका तो बकायदा हर महीने इंटरेस्ट चुकाता हूँ ना। उल्लू बना रहा है, दो महीने से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। ओ, तीन महीने से। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी कुछ बोला ना तो लोचा हो जाएगा। अबे ओए, भाई तेरे साथ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और तू लंबू के साथ टाइम पास कर रहा है? नहीं, टाइम पास नहीं, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। अबे ओए, बहुत हो गई होशियारी, अगर भाई का दिमाग हट गया ना तो तुम दोनों की बैंड बज जाएगी। मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। क्या मतलब? मैं एक शब्द और नहीं कहूंगा। मतलब? ये नामुमकिन है। अरे बोलना। दिखाऊं क्या? बहुत हो गया। दिखाई देता हूँ। दिलीप, दिलीप कुमार, दोनों को मैच कर लो। दिलीप कुमार दिखने में इनकी तरह नहीं लगता। ए, जरा सारो पढ़ो, नीचे लो, थोड़ा राइट, मुंह में उंगली डालो, बिल्कुल दिलीप कुमार ऐसा लगता है। दिलीप कुमार अन्ना का परफेक्ट कॉपी है ना? सही गाना भाई। थैंक यू बोल रहे हैं। तू वेलकम बोल। वेलकम। ओए चंदू, भाई पूछ रहे हैं पैसा कब देगा। अब दो दिन में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा भाई। इस बार कुछ ज्यादा ही क्लास बजा डाला, इस बार ट्रांसलेशन में एक जमाना लग जाएगा। एक काम करते हैं, आज लंच यहीं करके जाते हैं। भाई ने और टाइम दे दिया है। ओके भाई, चलता हूँ। इतनी सी बात के लिए इतनी देर तक क्लास बजा रहा था? बिल्कुल आप जैसा दिखता है भाई। दिलीप भाई, जानते हैं ये गाना अमिताभ की किस पिक्चर का है? भाई सिर्फ दिलीप कुमार की फिल्म देखते हैं। ये गाना दिलीप कुमार की पिक्चर का है। हाँ सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ टेररिस्ट श्रीनिवास नगर के साई दुर्गा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 705 में ठहरे हैं। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। मुझे भी यही रिपोर्ट मिली है सर, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ सर। रंगे हाथ पकड़ना है। ओके सर, समझो काम हो गया। जो भी पंगा लेगा पटवर्धन पटेल से, उसकी मालिश कर दूंगा मैं बिना तेल के। आई नो, ये केस आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट वाला डायलॉग आपको नहीं बोलना था, उनको बोलना था। ओके गो। जब मुझे अकेला भेजो तब गो बोलते हैं, साथ में चलते हैं तो लेट्स गो बोलते हैं। गांडो थैंक यू, मैं तुमसे आके फील करता हूँ। फील नहीं, डील। हाँ भाई भाई। जो मैं पेपर पढ़ रहा है, मैं पढ़ाता हूँ तुझे पेपर। चल बोल, बाकी का टेररिस्ट का है वो मैं तो खोल दूंगा। मैं छुपे हुए सर। पटेल से कोई बच नहीं पाया आज तक। 705 के टेररिस्ट को मैंने पकड़ लिया है।
एम्बुलेंस लेकर आ जाओ। Once more. रुक जा। सर, आप वहां क्या कर रहे हैं? कहां गया? ऊपर गया। ऊपर कब गया? जब मुझे देख रहे थे। ओह यस, तुम नीचे जाओ। आप ऊपर जा रहे हैं? जो बोलो वो कर। भागता कहाँ है? कानून के हैंड्स आर वेरी लॉन्ग। बिल्डिंग बना दी, सीढ़ियां नहीं रखी, जंप मार के जाना पड़ता है। हैंड इज अप। जो पंगा लेता है पटवर्धन पटेल से, उसकी कर देता हूँ मैं मालिश बिना तेल के। बिना तेल के कैसे? आग के पास जाओ या आग तुम्हारे पास आए, शेर के पास जाओ या शेर तुम्हारे पास आए, पटेल से पंगा लो या फिर पटेल तुमसे पंगा ले, प्रॉब्लम में तो तुम ही पड़ोगे, आग शेर या पटेल नहीं। सर आप तो चालाक लोमड़ी है सर। बहुत जल्दी समझ में आया तुझे? पटेल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर आप फिल्में नहीं देखते क्या? जब गो एंड स्लीप इन द कार। स्लीप इन द कार नहीं, सेट इन द कार बोलिए। अरे पटेल, हम दोनों सेम बैच के हैं। मैं अन्ना हजारे का फैन था करके कांस्टेबल बना रहा, और तूने सामने वाले के हाथ गरम किए तो तू मेरा सीनियर बन गया। गंडो थे गयो। बोरा रज़ाक। सर ये फाइल जरा देख लीजिए। किस्मत अच्छी है जो यही मिल गया। इस जमीन में मैडम जूस, ये जमीन सोने का भाव देगी सर। ये क्या हुआ? सॉरी सर, लगता है माँ से बहुत प्यार करता है।
हमारी अम्मी हमारे लिए सब कुछ है, ये बात ध्यान में रखना, दोबारा ऐसा ना हो। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? जब तक हम यहाँ पर हैं, सिर्फ तुम ही हमें सर्व करोगे। ओके सर। शर्मा। यस सर। इसे 1000 रुपए निकाल के दे दो। जी सर। थैंक यू सर। पैसों के लिए अगर फिर से ऐसी हरकत की ना तो ये नोट वापस ले लेंगे सर। नहीं। क्यों? ये जाली नोट है। तो आप ही रखिए। शर्मा, ये हमें टिप देने की बात कर रहा है। अम्मा जी, नहीं नहीं अम्मा जी, शांत हो जाइए। बैठ जाओ शर्मा। थैंक्स अम्मा जी। वेटर के शब्द मेरे कानों को अच्छे लगे। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? वो अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वॉशिंग पाउडर से सारी धुलवा दूं? वो सुन के मेरे दिमाग में एक बढ़िया कविता आई है शर्मा। जहाँ हो वहीं पर बैठे रहो। वॉशिंग पाउडर शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, खाओ वेजिटेबल कुर्मा, घूमने जाओ बर्मा, घूमने जाओ बर्मा। मेरा नाम है वहीदा रहमान, आंखों में लगाया सुरमा, वाह वाह तो करो शर्मा। अम्मा जी, क्या कविता सुनाई है, दिल खुश हो गया। आप सिंगर क्यों नहीं बनी अम्मा जी? लो कर लो बात, साफ साफ कहो ना, वन मोर सुनना है। वन मोर हो गया तो मैं खुशी के मारे नो मोर हो जाऊंगा। वाह 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 शर्मा। पता नहीं यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है। वेटर जरा सुनो। yes, तो यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है? मिनिस्टर शंकर राव होटल में आए हुए हैं। ओके थैंक्स। अब ये मिनिस्टर शंकर राव कौन है? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर है, बहुत चालाक खोपड़ी है, दिखने में कॉमेडियन लगता है लेकिन अपने दिमाग से सीएम तक की कुर्सी को हिलाने का दम रखता है। ये रहा मिनिस्टर साहब। हाय रजाक भाई। अरे कितनी बार एक ही फाइल। भाऊ नमस्कार। भाऊ नमस्कार। भाई नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाऊ। क्या हाल है शंकर? क्या बोलूं भाऊ, एकदम मस्त। मैंने वो मिनिस्टर मोहन शिंदे के खिलाफ कोर्ट में पीआईएल डाली कि उसके पास कई गैर कानूनी प्रॉपर्टीज है। भाऊ उस पीआईएल ने उसका कचरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसकी कुर्सी हिला दी ना, टेंशन के मारे उसकी वाठी लग गई। अब वो मेरे खिलाफ कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। आप जैसे लोग हमारा पेट पालते हैं, आपका हाथ हमारे सर पे है, तब तक नो टेंशन भाऊ। चाय पियोगे? चाय न को भाऊ, चाय पीने से एसिडिटी होता है। आपके दर्शन हो गए मतलब साक्षात भगवान भेटला। ये मुझ जैसे मानुष के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। राम राम भाऊ। शंकर। हाँ भाऊ ठीक है।